मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे इज आर इंग्लिश ग्रामर पीरियड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर ट्वेल्व करेक्ट यूज ऑफ प्रिपोजिशंस प्रिपोजिशन के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो कि प्रिपोजिशन क्या होती है ठीक है उसी के बारे में हम उसका सही से यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे जस्ट एज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द करेक्ट यूज ऑफ एड्जेक्टिव इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो द करेक्ट यूज ऑफ प्रिपोजिशंस जिस तरीके से हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स वो इंपॉर्टेंट है है ना उसको जानना उसी तरीके से प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज भी जानना जरूरी है सबसे पहले प्रीपोजिशन हमको दे रखी है एट इन ठीक है विथ रेफरेंस टू टाइम ये टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं एट इज यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं एट का और इनका यूज किस लिए किया जाता है ईयर बताने के लिए ठीक है इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन्स इनका यूज उस समय के लिए या उस टाइम पीरियड के लिए किया जाता है जब कुछ घटित हुआ हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल ही कैम एट डे ब्रेक है ना एट एन अर्ली आवर दिस मॉर्निंग हॉल वर्स फुल ऑफ नॉइस ठीक है तो एग्जैक्ट जो पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं एट का इनका यूज ईयर के लिए जैसे इन दिस ईयर मैनी फेमस पीपल डाइट आई वॉज बॉर्न इन नाइनटीन फिफ्टी टू ये ईयर बताया हमने यहां पर भी ईयर था ठीक है इसलिए हमने इनका यूज किया नेक्स्ट एट इन विथ रिफ्रेंस टू स्पेस जगह बताने के लिए स्थान बताने के लिए भी हम ऐट और इनका यूज करते हैं जैसे कि एट का यूज स्मॉल एंड लेस इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है विलेजेज एंड स्मॉल टाउन्स ठीक है इनका यूज इसी के अपोजिट होता है इनका यूज हम लोग लार्ज लार्ज प्लेसेस कंट्रीज सिटीज एंड लार्ज टाउन्स बताने के लिए करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल रैमंड लीव्स एंड इसेक्स रैमंड लीव्स इन इंग्लैंड जैसे हमने अगर भोपाल का नाम लिया तो इन भोपाल हम बोलते हैं ठीक है बोलते हैं आई लिव इन भोपाल लेकिन भोपाल में किसी छोटे से प्लेस का नाम हमको बताना है या किसी स्ट्रीट का नाम बताना है या किसी कॉलोनी का नाम बताना है तो हम ऐड करके जो भी कॉलोनी का नाम है वो बताएंगे डैश देन बाद में हम क्या लिखेंगे इन भोपाल ठीक है बाय विथ बाय इज यूज आफ्टर वर्ड्स वर्ब्स इन द पैसिव टू एक्सप्रेस द डूअर ऑफ द एक्शन एक्सप्रेसड बाय द वर्ब बाय का यूज हम लोग जब भी पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तब पैसिव वॉइस में हम लोग किसका यूज करते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं डुअर के द्वारा क्या एक्शन किया गया उसको बताने के लिए बाय प्लस सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं ठीक है विथ इज यूज विद द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन विथ का यूज किस लिए किया जाता है जिसके द्वारा उस इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए जिसके द्वारा कोई काम किया गया हो है ना फॉर एग्जाम्पल द डॉग बॉस चेस्ड बाय द बॉय विथ अ स्टिक ठीक है बाय के लिए बाय प्लस सब्जेक्ट हमने किया है ना डॉग का पीछा कौन कर रहा था बॉय है ना और इंस्ट्रूमेंट क्या था उसके पास स्टिक तो इंस्ट्रूमेंट के लिए उससे पहले हम क्या लिखेंगे विथ लिखेंगे द ट्री वॉज कट बाय द मैन विथ एन एक्स इंस्ट्रूमेंट क्या है यहां पर एक्स ठीक है नेक्स्ट ऑन अपॉन ऑन इज ऑफन यूज इन स्पीकिंग ऑफ द रेस्ट थिंग्स एंड रेस्ट ऑन का यूज़ किस लिए जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उन उन चीज़ों के बारे में उन थिंग्स के बारे में जो स्थिर अवस्था में है ना एंड अपॉन का यूज़ जब जो, जो थिंग्स मोशन में होती है जिसमें गति होती है उस अस्थिर होती है उसके लिए हम लोग अपॉन का यूज़ करते हैं जैसे दे सेट ऑन द ग्राउंड ग्राउंड रेस्ट होता है स्थिर होता है ठीक है एंड टॉय कैट क्या है मोशन में ठीक है अस्थिर in, in है इसलिए हमने अपॉन का यूज़ किया नेक्स्ट इन इन टू इन का यूज़ हम किस लिए करते हैं जब कोई चीज़ ऑलरेडी uh, किसी के अंदर हो जैसे कि किसी रूम में कोई बॉय बैठा हुआ है तो वो ऑलरेडी अंदर था ठीक है तो हमने in का यूज़ किया लेकिन जब हम उस, किसी थिंग्स में क्या होती है मोशन होती है और वो इनसाइड की ओर जाता रहता है अंदर की ओर जाता रहता है इस चीज़ को बताने के लिए हम इन टू का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज़ इन हिज रूम तो वो ऑलरेडी है ठीक है द क्लॉथ्स आर इन द कबर्ड क्लॉथ्स ऑलरेडी कबर्ड के अंदर है, है ना अब यहाँ पर देखिए द डॉग जम्पड इंटू द रिवर बाहर से डॉग जो है वो जम्प हो रहा है, है ना तो हमने इंटू का यूज किया मोशन में है ना ही फेल इंटू द वेल यहाँ पे भी मोशन बताया गया है इसलिए इंटू का यूज़ हुआ नाउ टर्न ओवर द पेज इन विद इन इन जो है वो फ्यूचर आ, फ्यूचर पीरियड जो होता है उसके एंड के लिए शो आ, के लिए यूज किया जाता है ठीक है एंड एंड विद इन का यूज जो होता है वो टाइम पीरियड से पहले या एंड होने से पहले का जो समय रहता है उसके लिए यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल दे विल रिटर्न इन अ मंथ्स टाइम मतलब एक मंथ के बाद ठीक है एंड हो चुका है ठीक है यहाँ पर देखिए विद इन अ मंथ एक महीने के अंदर की बात चल रही है ठीक है आफ्टर इन आफ्टर का यूज भी किया जाता है इसी की तरीके से जैसे हम इनका यूज़ करते हैं लेकिन ये पास्ट के लिए यूज़ होता है वाइल इनका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं कौन से टाइम के लिए फ्यूचर के लिए करते हैं फॉर एग्जाम्पल लिली कैम आफ्टर अ वीक ओके लिली विल कम इन अ वीक्स टाइम फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है सिंस फॉर सिंस का यूज़ हम लोग पास्ट में जब हम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम सिंस का यूज़ करते हैं एंड प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इन तीनों को डिनोट करने के लिए हम इन तीनों को अगर हम लोगों को टाइम पीरियड डिनोट करना है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल सू हैज बीन स्लीपिंग सिंस सिक्स ओ क्लाक ठीक है यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है ठीक है यहाँ पर देखिए पास्ट फोर आवर्स बताया है एग्जैक्ट टाइम नहीं है इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया नेक्स्ट सिंस फ्रॉम सिंस का यूज हम लोग कब कब करते हैं जनरली परफेक्ट टेंस में टाइम पीरियड बताने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है जो वर्ब के बाद यूज होता है फ्रॉम का यूज होता है फ्रॉम में भी यूज विथ एनी फॉर्म ऑफ टेंस किसी भी टेंस के साथ हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दे हैवेंट मैट सिंस लास्ट वीक ठीक हैव और हैज से हमको समझ में आता है कि परफेक्ट टेंस है परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का यूज होता है और बाकी और कोई सा भी टेंस होता है तो उसमें फ्रॉम का यूज़ होता है ठीक है बिफोर फॉर बिफोर इज यूज इन नेगेटिव एंड अफॉर्मेटिव सेंटेंसेज बिफोर जो है वो नेगेटिव और अफॉर्मेटिव दोनों सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है है न लाइक टू डिनोट अ टाइम पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम ठीक है फ्यूचर टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही शल बी हियर बिफोर सिक्स ओ क्लॉक यह फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हमने बिफोर का यूज किया फॉर का यूज किया जाता है फ्यूचर का टाइम बताने के लिए लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ये जो बिफोर होता है वो पॉजिटिव या अफॉर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों के लिए यूज होता है और ये जो होता है फॉर ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है नेक्स्ट बिटवीन अमंग बिटवीन का यूज़ होता है बिटवीन अमंग के का मीन होता है बीच में ठीक तो है तो बिटवीन जब टू पर्सन्स या थिंग्स होती हैं उसकी जब हम बात कर रहे हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं बिटवीन का एंड टू पर्सनस और थिंग्स से ज़्यादा हमको रेफर बताना रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं अमंग का फॉर एग्जाम्पल दे शेयर द एप्पल बिटवीन द टू ऑफ देम ठीक है तो टू की बात हुई थी इसलिए बिटवीन का यूज किया ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ऑल हिज फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स में टू तो है नहीं टू से ज्यादा है इसलिए हमने अमंग का यूज किया है बिसाइड बिसाइड्स बिसाइड मीन्स क्या होता है बाय द साइड ऑफ मतलब बगल में एंड बिसाइड्स मीन्स क्या होता है इन एडिशन टू मतलब के अलावा ठीक है तो द गर्ल्स एट बिसाइड हर मदर एंड मतलब यहाँ पर क्या हुआ गर्ल कहाँ बैठी है उसकी मम्मी के बगल में एंड फाइंड ही मीन क्या निकलेगा के अलावा ठीक है नेक्स्ट पेज पर हमको क्या दिया है वर्ड्स फॉलोड बाय प्रिपोजिशन वो वर्ड जो प्रिपोजिशन के साथ यूज किए जाते हैं फॉलो किए जाते हैं ठीक है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल रॉनी एग्रीड विथ मी ऑन दैट पॉइंट तो विथ के साथ कौन सी प्रिपोजिशन यूज होती है इस वर्ड इस के साथ एग्रीड के साथ कौन सी प्रिपोजिशन यूज होती है विथ है ना एग्री के साथ टू भी यूज होता है ओके एक्टेड अपॉन एडिक्टेड टू एडिक्टेड के साथ टू यूज होता है अशेम्ब के साथ ऑफ यूज होता है अफ्रेड के साथ ऑफ आता है फॉन्ड ऑफ होता है ऑफ kind टू of, kind होता है इस टाइप से कई सारे सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं जिसमें प्रिपोजिशन जो कुछ वर्ड्स हैं जो प्रिपोजिशन के साथ फॉलो किए जाते हैं ठीक है तो आपको रीड करना है इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे हैव नाइस डे